माता विंध्यवासिनी भनाड़ी देवी का मंदिर अल्मोड़ा जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर सिलखोड़ा ग्राम में सभा में अल्मोड़ा लमगड़ा मार्ग पर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, पौधार के पास। मंदिर को जाने के तीन रास्ते हैं, तीन गेट हैं, एक पौधार की तरफ से, दूसरा गड़ापानी की तरफ से और तीसरा मेरधुरा की तरफ से। घने बांस के जंगलों के बीच स्थित इस मंदिर में भी माता वैष्णवी देवी की तरह माता विंध्यवासिनी बनाड़ी देवी विराजमान है। माता विंध्यवासिनी बनाड़ी देवी मंदिर से जुड़ी बहुत सी रोचक कहानियां हैं। इस मंदिर की स्थापना कत्यूरी राजाओं ने 18वीं शताब्दी से पूर्व की थी। इस मंदिर के बारे में जुड़ी हुई एक जो रोचक कहानी है वो कुछ इस प्रकार है कि चंपावत के माँ बाराही देवी मंदिर में एक पुजारी ने माता की पूजा की और उसके बाद देवी माँ का आह्वान किया। तो पूजा जब उसने पूरी पूजा कर ली, उसके बाद वो वहां से जब वापस आया तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता अभी भी या उस समय पर ये तिब्बत भाबर पैदल मार्ग का एक भाग है। तो वो इसी रास्ते से होते हुए गागर यानी भाबर की ओर या गागर की तरफ आ रहा था। तो ये जो गड़ापानी है, गड़ापानी के पास आप मोड़ में एक देखेंगे तो ये रास्ता उस समय का पैदल मार्ग था, उसी को ये मोटर मार्ग में कन्वर्ट है। तो इसी पैदल रास्ते से वो आ रहे थे ये लोग। तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते गड़ापानी के पास पहुँचते पहुँचते उनको शाम हो गई। तब जब शाम हुई तो वो लोग यहाँ पर डेरा डालने के लिए रुके। ये जो बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर ये रुके वो ये, आप अगर जरा सा आप गड़ापानी से जरा सा आधा एक किलोमीटर आगे की तरफ जाते हैं तो आप देखेंगे एक मोड़ है और नीचे बजेठी की ओर को एक रास्ता जाता है, गेट भी बना है, हल्का नीचे को जाता हुआ रास्ता भी मिलेगा। तो उधर से और घूम के था तो वहां पर वे लोग रुके। तो जब वो रुके तो क्या हुआ कि पुजारी को लगा कि पीछे से मियां भी आ रही है, एक छोटी बच्ची आ रही है। तो उनने उससे पूछा कि भाई तू कौन है, कैसे आ रही है। तब उसने बताया कि गुरुजी पूजा जब तुमने शुरू की थी उस समय तुमने मेरा आह्वान किया और पूजा जब संपन्न हो गई उसके बाद भी तू मुझे विदा करना भूल गया, तो मेरे को विसर्जन तूने नहीं किया है, इसलिए मैं तेरे साथ साथ वहां से तेरे साथ ही आ गई हूं। ये बात बता रहा हूं मैं, ये सिलखोड़ा के पास। तो अब क्या होगा? तो कन्या ने कहा अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब मैं तेरे साथ यहां आ गई हूं, लिहाजा अब मैं यहां स्थापित हो गई हूं और ऊपर चोटी में मैं प्रकट हो गई हूं। तो जो ये आप कभी मोड़ में देखेंगे तो वहां पर एक छोटा सा मंदिर है, वो वहीं पर प्रकट हुई, वहां पर वो स्थापित हुई, वहां पर छोटा सा मंदिर उस समय उन्होंने बना दिया। और जो आप ऊपर आज बनाड़ी देवी देख रहे हैं कि यहां पर प्रकट हुई है, तो स्वयं प्रकट हुई है और इस तरीके से ये आए, तो यहां पर ये पिंडी रूप में। तो ये तो थी कहानी माता के प्रकट होने की और यहां आने की। अब एक दूसरी कहानी है जो इससे जुड़ी है, वो कहानी है इस मंदिर के निर्माण से जुड़ी। तो ये निर्माण की कहानी जो है वो कत्यूरी शासन काल में राजा से जुड़ी हुई है। और इस कहानी के अनुसार, जो दूसरी कहानी बता रहा हूं मैं आपको कत्यूरी राजा वाली, इस कहानी के अनुसार यह है कि कत्यूरी शासन काल में ये राजा के पास गाय थी जिसकी वो खूब सेवा भी किया करते थे। समस्या ये थी कि गाय जो है राजा को अपना दूध देती नहीं थी। एक दिन राजा के दिमाग में भी आया कि भाई क्या कारण है कि दूध तो इसमें होता है लेकिन ये देती नहीं है। तो राजा ने सोचा गाय के थन में दूध तो भरा है, ये देखी क्यों नहीं, तो ये दूध जा कहां रहा। ये सोचकर राजा ने इस गाय का पीछा किया तो राजा ने क्या देखा कि उनकी गाय पिंडी के रूप में विराजमान माता को अभिषेक कर रही है अपने दूध से। तो राजा ने यह देखा तो उसने गाय को पकड़ा और वापस ले आया। तो जब वो गाय को वापस ले आया, उसी रात को माता ने राजा को उसके सपने में अपने दर्शन दिए और फिर कहा उससे, राजा से, कि तू गाय को तो ले आया, तूने गाय के द्वारा मुझे अभिषेक करते हुए तो देखा और तू गाय को ले आया, अब ये बता ये मंदिर बनाएगा कौन। तो राजा ने तुरंत दूसरे दिन अपने कारीगरों को वहां भेजा और वहां पर ये अष्टकोणीय मंदिर स्थापित किया। इसके बाद से राजा और प्रजा ने इस मंदिर में आकर पूजा आराधना करनी शुरू कर दी। अब बात करते हैं बनाड़ी देवी की
साधना की। तो बात जब साधना की है तो पहले बात करते हैं इनके बीज मंत्र की, इनके मूल मंत्र की। तो जो मैया का मूल मंत्र मतलब वैदिक मूल मंत्र है वो है एंग हैंग क्लीं चामुंडाए विचे बनाड़ी देविये नमः। और जो मैया का पुराणोक्त मंत्र है वो मंत्र है हूं ह्रीं गुह्ये कालिके क्लीं लूं लूं लीं लौं स्वाहा। वहीं पर बनाड़ी देवी का जो नवाक्षरी मंत्र है साधना का वो है क्रीं गुह्ये कालिके क्रीं स्वाहा। और बात करते हैं बनाड़ी देवी के तंत्रोक्त मंत्र की, तो वो इस प्रकार है ओम क्रीं हूं ह्रीं गुह्ये कालिके क्रीं क्रीं लूं लूं लीं स्वाहा। बनाड़ी देवी का जो ध्यान करने के लिए स्तुति करने के लिए जो स्तुति वंदना है वो कुछ इस प्रकार है महामेघ प्रभांग देवी कृष्ण भस्मोभिधारिणी ललन जिन्हा घोर दृष्टा कराणी हसन मुखीम नागहार लतोपवतांग चंद्र अर्धकृत शेखरागम द्यांग लिखन्ति जटामेकांग लेलिनाहानार सौप्योम नाग यज्ञोपवितांगी नागसय्या निषेदुषीं पंचासन मुंड संयुक्तं वनमाला महोदरी सहस्रफन संयुक्त मनंतं शिरसोपरि यतुर्दीक्षं नागफणां वैशिष्टं गुह्यकालिकाम तक्षक सर्पराजेन वाम कंगण भूषिताम अनंत नागराजेन कृत दक्षिण कंकण नागेन रसनाहारं कल्पिंतां रत्न नपुरां वामेन शिवस्वरूपं तत्कल्पं वत्सरूपकं द्विभुजां चिंतये देवी नागयज्ञोपवीतिनीम नरदेह समाबद्ध कुंडल श्रुतिमंडिलताम प्रसन्ना वदनां सौम्यांग नवरत्न विभूषिताम नारद आदि मुनिर्गणेह सेवितांग शिव मोहिनीम अट्टहासं महाभीमांग साधकाभीष्ट दायिने ध्यांग लिखन्ति जटामेकम् इति ध्यायन्ति मिते शेषः। तो जो उपरोक्त मंत्र ध्यान ये मैंने आपको बताए हैं इन सभी मंत्रों की और ध्यान की साधना में न्यास आदि कर पूजा और बलि प्रदान करना चाहिए। अब मैंने जब बात बलि निवेदन की है तो आपको इसमें मैं इस देवी के लिए बलि निवेद्य मंत्र भी बता दे रहा हूँ जो कि गुह्य कालिका के लिए अलग होता है। तो गुह्य कालिका के लिए जो बलि निवेदन मंत्र है यो कुछ इस प्रकार है ऐद्यं गुह्य कालिके मम बलि ग्रहाण ग्रहाण मम शत्रुण नासै नासै स्वादय स्फुर स्फुर छिंदी छिंदी सिद्धिं देहि हुं फट स्वाहा। यह बलि निवेदन मंत्र है। और जहां पर आसन की बात आएगी कि इनको आसन देने की, तो वो आसन देने का मंत्र है देवी के लिए ओम सदाशिव महाप्रेताय गुह्यम कल्यासनाय नमः। और जो इसकी विधि है वो इस देवी के पूजन में विशेषता यह है कि यंत्र के भूपुर में इंद्र आदि दिग्पाल तथा वज्र आदि अस्त्र, भूपुर के चारों द्वारों में विष्णु शिव सूर्य और गणेश, भूग्रह में लोकपाल वायु में देवी के अस्त्र तथा भूपुर के चारों ओर पूर्व आदि क्रम से विष्णु शिव सूर्य और गणेश का पूजन इनमें करना चाहिए। इसी प्रकार यंत्र में गुह्य कालिका का फिर पूजन करना चाहिए। इनका यंत्र संबंधी कोई भेद नहीं होता है। अब बात आ रही है यंत्र की, तो यंत्र के लिए तो इस यंत्र के लिए पहले त्रिकोण फिर षटकोण तथा नौ कोण अंकित करके उसके बाहर तीन व्रत और केसर सहित अष्टदल पद्म अंकित करना चाहिए। फिर तीन भूपुर वाला एक चतुर्द्वार संयुक्त योनि मंडल का स्वरूप अंकित करके फिर पूजा करनी चाहिए। इनकी विशेष साधना के क्रम में मेरा एक विस्तृत रूप से वीडियो
बना रखा है, जिसको आप देखेंगे गुप्त नवरात्रियों में महाकाली का के से संबंधित वीडियो में, जिसमें कि इसकी विस्तृत पूजा विधि सभी कुछ विस्तृत रूप से बताई गई है। तो आज आपने देखा इस वीडियो में बनाड़ी देवी का की यहाँ पर स्थापना के बारे में, मंदिर की स्थापना के बारे में, तथा बनाड़ी देवी के विशेष मंत्र, उनकी पूजा की विधि, उनके आसन, हर चीज के बारे में मैंने इसमें बताने की चेष्टा की है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक और शेयर करिएगा। अभी इतना ही, मिलता हूँ अब आपको अपने अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको यहीं की देवी कौमारी देवी के बारे में आपको बताऊंगा। तो तब तक के लिए आपको गजेंद्र सिंह डसीला का प्यार भरा नमस्कार।